नमस्कार। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त माही सर। दोस्तों आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करता हूं हम मेंटेंस की, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एयरफोर्स की तैयारी करो, चाहे आप हाईकोर्ट LDC, LDC, RPC, RSMSSB, SSC, CTET, REET, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश है तो इंग्लिश बहुत सिलेबस में है आपके। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों मैं आपको इस सेशन के अंदर, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का दिया था और टेंस की नॉर्मल जानकारी आपको दी थी, लेकिन इसके बाद आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस सेशन के अंदर दोस्तों हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, जो आपका बहुत बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत यूजफुल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों जैसे ही आपके दिमाग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, वो है दोस्तों इज आर एम के बाद वर्ब के साथ ING, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ स्पेशल एम आता है दोस्तों, और इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट टर्म के साथ ING आता है। जैसे ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की याद आती है तो तैसे ही आपको ये ऑप्शन याद आना ही चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके कंपिटेटिव एग्जाम में आपको क्या सावधानी रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहली सावधानी ये है कि आपको ये देखना है कि सवाल जो आया है उस सवाल का आपको हिंदी अर्थ आता है कि नहीं, आप सेंटेंस की हिंदी करने की कोशिश करें। दूसरी शर्त ये है दोस्तों, आपके चार ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, तो उनमें से देखें कौन सा ऑप्शन एकदम गलत है, उसको आप पहले काटें दोस्तों, सीधा सही वाले ऑप्शन पर टिक ना करें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आंसर कुछ और होता है, हम समझने में थोड़ी गलती कर बैठते हैं जिससे हमारा सवाल गलत हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन में हम बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें क्या भला है, वो उसमें से सवाल बनता है तो कहाँ से बनता है, उसमें हमें किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, एकदम सही और सटीक जानकारी आप यहाँ से देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों सबसे पहले हम इस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्बियल्स, यानी कि कौन कौन सी एडवर्बियल्स होगी तो हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस सेशन में कि कौन कौन सी एडवर्बियल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्बियल्स के अंदर दोस्तों, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, टुडे, नाउअडेज, इन दीज डेज, करंटली, कंस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, प्रोग्रेसिवली, एक्सेट्रा। दोस्तों वापस एक बार ध्यान से समझिए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, टुडे, नाउअडेज, इन दिस डेज, करंटली, कंस्टेंटली, कंटिन्यूअसली और प्रोग्रेसिवली। इसके अलावा दोस्तों दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग भी मिलता है। दोस्तों बता देता हूँ, अगर आपको ये सेंटेंस में कहीं पर भी मिलते हैं तो आप समझ लेना आपका टेंस होगा, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है, लेकिन आप एक बार ऑप्शन पे गौर जरूर करें, ऑप्शन को देखें, कई बार सवाल आपके ऑप्शन पे डिपेंड रहता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसी एडवर्बियल्स के पर बेस यानी आधारित एक आपके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इसमें आया स्टार्टिंग में, आई खाली जगह TV विथ माई फैमिली, और एट दिस टाइम मिलता है तो कौन सा एडवर्बियल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रेजेंट सिंपल गलत, ये हैव थर्ड फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट गलत, और ये पास्ट सिंपल का ऑप्शन है, और ये ऑप्शन आपका बी है, ये है आपका एम वॉचिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो पहले मैंने तीन ऑप्शन को रॉन्ग किया, फिर मैंने आंसर निकाला। तो आपको भी यही तरीका अपनाओगे दोस्तों, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसके मेन यूजेस क्या है। ये तो एडवर्बियल्स याद करने के बाद दोस्तों हम कुछ चीज़ें और भी आपको याद रखनी पड़ती है, वो देखिए ज़रा कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात हम ये याद रखेंगे कि वर्तमान में बोलते हुए किसी कार्य को बताना, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं दोस्तों, तो ये वर्तमान में मैं बोल रहा हूँ, उनकी प्रेजेंट में मेरा काम कोई ना कोई कंटिन्यू है, उसको शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है दोस्तों। इसके बाद सेकेंड है आपका, वो है लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस, यानी कि कोई चीज़ लंबे समय से चालू है और अभी कंटिन्यू है, जैसे मैं वर्तमान में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे मकान बन रहा, इसका मतलब मकान पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी उसका कंटिन्यू है, यानी कि लॉन्गर प्रोसेस है, लॉन्गर एक्शंस है ये जो अभी प्रोग्रेस में है दोस्तों।
इसके बाद तीसरी चीज आपको याद रखनी है, एक्सप्रेस टू पैरेलल एक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, एक्सप्रेस टू पैरेलल एक्शंस, एक्सप्रेस टू पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है जैसे रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी वो पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है, और समानांतर जब चीज होती है, जब कोई भी चीज समानांतर चलती है, जैसे मैं एक तरफ टीवी देख रहा हूं और मेरा भाई खाना पका रहा है, यानी कि दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं, जब दो काम एक साथ में कंटिन्यू हो, एक साथ में जारी होते हैं, तब हम दोस्तों उसको बोलते हैं पैरेलल एक्शंस। और पैरेलल एक्शंस को शो करने के लिए दोस्तों आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि टू एक्सप्रेस ऑब्स्टिनेट एक्शन, और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी, आपका जिद्दी ऑप्शन, जैसे मैं धूम्रपान करता रहता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता रहता हूँ, मैं टीवी देखता रहता हूँ, कि ये मेरा नियमित काम है, मेरी ये ऑब्स्टिनेट एक्शन है, यानी कि मैं जिद्दी तरीके से इनको कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इन सब के एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कराऊंगा ये डाउट्स, कौन कौन से पॉइंट का क्या एग्जाम्पल्स है, किसे याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगला आपके क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट, देखो सेंटेंस की हिंदी करना बहुत ज़रूरी दोस्तों, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, आई खाली जगह फूड एट दिस टाइम, इसमें एट दिस टाइम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस श्योर है, लेकिन फिर भी मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ या पका रहा हूँ या ले रहा हूँ, समझ गए दोस्तों। तो इसमें देखो इस सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि यहाँ टेंस कौन सा होगा। दूसरी बात, इसमें एट दिस टाइम भी आया हुआ, इसका मतलब फिक्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही सही होगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट गलत, पास्ट कंटिन्यूअस गलत, पास्ट सिंपल गलत, तो सही होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका नाउअडेज, इसमें नाउअडेज मिला, इसका मतलब होता है आजकल, माय सिस्टर खाली जगह फॉर सिविल सर्विसेज, उनकी आजकल, ये एक लॉन्गर प्रोसेस है, उनकी जो पिछले टाइम से शुरू हुआ अभी भी कंटिन्यू है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गर प्रोग्रेस। तो देखिए लॉन्गर एक्शन से जो अभी प्रोग्रेस में है, तो देखिए नाउअडेज माय सिस्टर फॉर सिविल, उनकी अभी मेरी बहन सिविल सर्विस की तैयारी करती है या कर रही है, तो करती है लेकिन वो कंटिन्यूसली वहाँ पे कर रही है, सही होगा इसका मतलब, अगर ये आपने ये भरा ऑप्शन तो इसका मतलब करती है, और ये पास्ट सिंपल का ऑप्शन है रॉन्ग हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें सही होगा आपका इज प्रिपेयरिंग, मुझे कार खरीदनी है तो मैं पैसों की बचत करता हूँ, मैं हिंदी में बोलूँगा करता हूँ लेकिन इसकी इंग्लिश होगी आई एम सेविंग मनी फॉर बाइंग अ कार, समझ गए दोस्तों। यानी कि जब आप किसी भी लॉन्गर एक्शंस को अभी प्रोग्रेस में देखते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है, आप ऑप्शन को थोड़े गौर से देखिएगा, समझ गए दोस्तों, मुझे आशा है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं दीज अगले क्वेश्चन की, दीज जेक्स वीक हर जगह टू बाई अ बिग प्रॉपर्टी इन सरदारपुरा, अब हम प्लान बना रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है, अब हम प्लान बना रहे हैं कि हम सरदारपुरा में क्या खरीदेंगे, एक प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदेंगे हमारा प्लान बना रहे हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल गलत, पास्ट सिंपल गलत, प्रेजेंट परफेक्ट गलत, और आपका आर प्लानिंग सही होगा, इससे आपका हिंदी मीन्स सही निकल रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों माई सिस्टर इज मेकिंग फूड, ये देखो ये है पैरेलल एक्शंस, जब आपके वाइल से दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं तो उनको पैरेलल एक्शन बोला जाता है, अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस होता तो यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूस आता, यहाँ अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा क्योंकि पैरेलल एक्शन है। तो इसमें देखो सही होगा आपका वॉचिज है, ये तो प्रेजेंट सिंपल का गलत, प्रेजेंट परफेक्ट गलत, वाज वॉचिज, अब यहाँ पे इज आया हुआ तो यहाँ वाज नहीं आ सकता क्योंकि दोनों पैरेलल एक्शन बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सही होगा आपका इज वॉचिंग दोस्तों। कैसे सही होगा, क्योंकि वाइल से कनेक्ट दो सेंटेंस ऑलवेज पैरेलल एक्शन को शो करते हैं, और पैरेलल एक्शन को शो करने के लिए दोनों तरफ वाइल के सेम टेंस आता है दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगली बात कर रहे हैं, वो है आपका ये है आपका ऑब्स्टिनेट एक्शन, की ऑब्स्टिनेट एक्शन का मतलब जिद्दी प्रक्रिया वाला एक्शन, शी इज ऑलवेज खाली जगह कंप्लेनिंग अबाउट दिस क्लासरूम, वह अक्सर
हमारी क्लास की शिकायत करती रहती है। उसका ये मतलब जिद्दी स्वभाव है। मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव है, मेरा नेचर ऐसा ही बन गया है कि मैं पढ़ता रहता हूँ। तो आई एम ऑलवेज रीडिंग, इसको आप ये भी कह सकते हैं आई कीप रीडिंग, या इसको ये भी कह सकते हैं सी कीप कंप्लेनिंग अबाउट दिस क्लास रूम। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि किसी भी ऑब्लिस्टेड एक्शन को दर्शाना हो, एक्सप्रेस करना है दोस्तों, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिलअप कीजिए, आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें होगा सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट दिस एक्शन, ये स्पेस नहीं है बीच में। समझ गए दोस्तों मेरी बात को? तो यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ सिखाई है कि किसी भी ऑब्स्टिनेट एक्शन को शो करने के लिए इज आर एम के बाद आई एन जी यूज करते हैं। आई एम ऑलवेज रीडिंग, आई एम ऑलवेज स्लीपिंग, आई एम ऑलवेज सिंगिंग, मैं गाता रहता हूँ, तो आई ऑलवेज सिंगिंग। समझ गए दोस्तों, आई एम ऑलवेज सिंगिंग। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ कौन सी देखेगा दोस्तों, ये चीज़ है आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये नॉट लेके, इसमें नॉट है, नॉट में समझिएगा क्या आपको चीज़ ध्यान रखना है। कुछ नॉन कंटिन्यूस वर्ब है जो माइंड या पांच इंद्रियां, अपनी पांच इंद्रियां ना, आँख कान नाक त्वचा वगैरह, इनसे संबंधित होती है और उनके साथ कभी आईएनजी नहीं लगता है। अगर लगता है तो अर्थ बदल जाता है। जैसे कान हमारी ज्ञानेन्द्रीय है, तो कान से हम सुनते हैं, सुनने को कहते हैं हेयर, एच ई ए आर, इसका मतलब होता है सुनना। लेकिन एच ई ए आर के बाद कभी भी आई एन जी नहीं लगता है इस वर्ड के पीछे। अगर लगता है तो इसका अर्थ चेंज होकर के सुनवाई करना हो जाता है। समझ गए दोस्तों, सुनवाई करने को हीरिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने कुछ आपके ऐसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब है वो मैंने लिखी है, वो देखिए नो, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलोंग, फील, सी, अपीयर, लव, यहाँ अपीयर सिर्फ लव, लाइक, वांट, नोटिस, हैट, होप, एग्री, अंडरस्टैंड, स्मेल और डिज़ायर एक्सेट्रा। यानी आपने कभी देखा मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश आपने कभी ऐसे देखा आई एम लविंग यू? नहीं, इसका इंग्लिश सिर्फ इतना आई लव यू। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पीछे कभी भी आई एन जी लगता नहीं है। सेंसिटिव और मेंटल एबिलिटी से जुड़ी हुई वर्ब्स है, दीज आर नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, इनके साथ कभी आई एन जी नहीं लगता है। तो क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से समझिएगा, जब आपका नॉन कंटिन्यूस वर्ब का सवाल आता है तो आपको एक डायग्राम से समझा रहा हूँ, ये एक ध्यान से समझिए चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चार बॉक्स है, ये आपका सिंपल, ये कंटिन्यूस, ये परफेक्ट का, और ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का। और ये किस तीनों टेंस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल हो चाहे पास्ट या फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट ये आता ही आता है। लेकिन देखिए अब आपकी जैसे सवाल जो आया उस सवाल में आपको ऐसा एडवर्बियल लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, लेकिन उसमें वर्ब ऑप्शन में ऐसी है जिसके पीछे आई एन जी नहीं आ रहा है, तो आपको उससे पहले वाला टेंस भरना है। क्या, कौन सा टेंस भरना है? पहले वाला। समझ गए दोस्तों, जैसे देखो आपका सवाल आ गया एट दिस टाइम आई खाली जगह राधा एस एट दिस, यानी कि मैं इस समय, अब एट दिस टाइम आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्बियल्स हो गया। अब एट दिस टाइम आई खाली जगह राधा, अब ऑप्शन में देखो लव, आई एम लविंग, या हैव लव्ड, या लव्ड, ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या होगा एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑप्शन में यहाँ पे लव वर्ब दी हुई और लव वर्ब के साथ कभी आई एन जी नहीं आता, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आपको सही लग रहा है उसके आई एन जी नहीं आएगा, तो सही क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। समझ गए दोस्तों, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आई एन जी आता है, लेकिन अगर वो वर्ब दी हो तो कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। समझ गए दोस्तों मेरी बात को? मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ ये फील, फील का मतलब, फील भी एक सेंसिटिव वर्ब है, इसके पीछे भी आई एन जी नहीं आता, अगर आएगा तो अर्थ चेंज हो जाएगा। अगर आपका ओपिनियन है, अगर आप फील का मतलब, अगर आप किसी भी ओपिनियन को फील कर रहे हैं, किसी भी ओपिनियन को या मत या विचार को फील कर रहे हैं, तो उनके पीछे कभी भी आई एन जी, तो उनके पीछे आई एन जी आता है। समझ गए दोस्तों मेरी बात को? आप समझ गए, जब आप किसी भी विचार को मतलब शो कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तब आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस दे रखे ना आपको,
आई एम फीलिंग दैट यू आर टायर्ड, मैं फीलिंग कर रहा हूँ, नहीं इसमें ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि हम इसका ये ओपिनियन है कि मैं आपको आप मुझे थकी हुई लग रही है, मेरा एक विचार है, ओपिनियन, जिसमें सही होगा आई फील दैट यू आर टायर्ड। समझ गए दोस्तों, क्योंकि जब ओपिनियन को शो करना हो तो फील के पीछे आइए तब आएगा, जब आप ओपिनियन को शो नहीं करते हैं, फिजिकल फीलिंग कर रहे हैं। जैसे मैं अभी अच्छा सा मतलब सुना सुना महसूस कर रहा था, आई एम फीलिंग यू एंड क्राई, तो मैं मतलब सही फीलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब आप फिजिकली फीलिंग करते हैं, फिजिकली रूप से, तब आपका वहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी आता है, कि फील के पीछे आईएनजी आ सकता है। जब आप ओपिनियन के रूप में फीलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे आईएनजी नहीं आता दोस्तों। समझ गए दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ को ओपिनियन के रूप में फीलिंग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी आईएनजी फील के पीछे नहीं आएगा। जब आप किसी भी चीज़ को आप फील फिजिकली रूप से कर रहे हैं तो उसके पीछे आईएनजी आएगा। जैसे मुझे अभी ठंड का महसूस हो रहा है तो होगा आई एम फीलिंग कोल्ड नाउ, और आई फील कोल्ड नाउ नहीं होगा, क्योंकि मुझे फिजिकल रूप से ठंड लग रही है। समझ गए, मेरा फिजिकल नहीं, मेरे शरीर को ठंड लग रही है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत समझ आई दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आईएनजी नहीं आता है, तो उसमें जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस में आईएनजी आता है, अगर इनमें अगर आपका क्वेश्चन इनका दे रखा है आईएनजी नहीं आ रहा, तो इनसे जस्ट पहले वाला टेंस आप भर सकते हैं और आपका क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। तो मुझे आशा है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा, समझ में आया दोस्तों। तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।